हेलो चिल्ड्रन, इन दिस वीडियो विल स्टडी चैप्टर थर्ड तारोज रिवॉर्ड क्लास सिक्स। दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड अ लविंग सन। ये जो स्टोरी है वो एक थॉटफुल और लविंग सन के बारे में है। तो ये थॉटफुल का मतलब क्या होता है? थिंकिंग अबाउट व्हाट अदर पीपल वांट और नीड, यानी ऐसा जो दूसरे पीपल की दूसरे लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखने वाला हो। ओके, उनको क्या चाहिए, उनके क्या विशेष है, इन सब का ध्यान रखने वाले को क्या बोलेंगे? थॉटफुल। तो थॉटफुल का मतलब यहाँ पर ये है, ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेज। वो अपने पेरेंट्स की विशेज़ को फुलफिल करने के लिए हार्ड वर्क करता है एंड गेट्स सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, और उसको कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में हेल्प मिलती है। अनएक्सपेक्टेड मतलब दैट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड मीन्स जिसकी अपन ने एक्सपेक्टेशन, यानी जिसकी अपन ने कभी आशा ही नहीं की, होप ही नहीं की कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसी हेल्प उसको मिलती है। सो नाउ लेट्स रीड दिस स्टोरी। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक young woodcutter जिसका नाम तारो होता है, वो अपने mother और father के साथ एक lonely hillside में रहता है। lonely मतलब एक separate, अकेली सी hillside में, where nobody else lived except them. All day long he chopped wood in the forest. और पूरे दिन वो forest में वुड जॉब करता है। दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्न लिटिल मनी। सो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करता है और फिर भी उसको थोड़ा सा मनी मिलता है, यानी ही डिडंट गेट मच मनी। दिस मेड हिम सैड, और ये चीज़ उसको उदास कर देती है, सैड बना देती है। फॉर क्यों बना देती है? ही वॉज ए थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज पेरेंट ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। क्योंकि वो एक थॉटफुल सन है और अपने पेरेंट्स को वो सब चीज़ें देना चाहता है जिनकी उनको ज़रूरत है, जो उनको चाहिए। वन इवनिंग व्हेन तारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो। एक इवनिंग को क्या होता है, तारो और उसके पेरेंट्स दे वर सिटिंग इन ए कॉर्नर ऑफ देयर हट, अपने हट के कॉर्नर में बैठे होते हैं। तभी क्या होता है, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, एक स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो होना शुरू हो जाती है, यानी बहना शुरू हो जाती है, तेज़ हवा आनी शुरू हो जाती है। इट विशल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट, ये हट के जो क्रैक्स होते हैं उनके उनसे होकर के आती है। विशल्ड थ्रू का मतलब व्हेन इट एंटर इन थ्रू द हट, जब ये हट के अंदर आती है उन नैरो ओपनिंग्स में से। क्रैक्स क्या होते हैं, नैरो ओपनिंग, जो दरारें होती हैं उनसे होती है, आती है। तो विशल्ड थ्रू का मतलब इट मेक्स ए साउंड लाइक अ विशल। ओके, यानी एक साउंड करते हुए हट की जो नैरो ओपनिंग्स होती है उनसे आती है। एंड एवरीथिंग एवरीवन फेल्ट कोल्ड, और हर एक को ठंडी लगती है। सडनली तारोज फादर सेट, तभी तारो का फादर बोलता है, आई विश आई हैड ए कप ऑफ साके, इट वुड वार्म मी एंड माई ओल्ड हर्ट एंड माई ओल्ड हर्ट गुड। यानी उसका फादर ये बोलता है कि काश में एक जो लिक्विड, यहाँ पे एक लिक्विड है जिसका नाम है साके, इसको साके प्रोनाउंस करेंगे, तो वो बोलता है कि काश मुझे वो लिक्विड मिल जाती, यानी काश मैं थोड़ी बहुत मुझे वो लिक्विड मिलती, कौन सी, साके, जो मेरे को वार्म करती और मेरे जो ओल्ड हार्ट है उसको अच्छा कर देती। दिस मेड तारो सैडर देन एवर, ये इस चीज़ से तारो क्या होता है, थोड़ा और ज़्यादा दुखी हो जाता है। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके वॉज वेरी एक्सपेंसिव, क्यों होता है इतना दुखी, क्योंकि जो हार्ट वार्मिंग ड्रिंक है साके वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, वो अपने आप से क्वेश्चन करता है कि अब मैं और ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊँ। ही आस्क्ड हिमसेल्फ हाउ टू गेट ए लिटिल साके फॉर माई पुअर फादर, और वो सोचता है कि मैं अपने पुअर ओल्ड फादर के लिए अब थोड़ा सा साके लेके आऊँ तो कैसे लेके आऊँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, और फिर वो डिसाइड करता है कि अब मैं पहले से ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जंप्ड आउट ऑफ द बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, तारो अपने बेड से जल्दी उठता है और डायरेक्टली ही वेंट टू द फॉरेस्ट। मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट मतलब ही वेंट टू द फॉरेस्ट। ही चॉप्ड एंड कट, चॉप्ड एंड कट, और वो वहाँ पे वुड को चॉप करता है और काटता है, चॉप मतलब कट करता है, वुड को काटता रहता है, पूरे दिन वुड काटता रहता है। एज द सन क्लाइम्ड, जैसे ही सन क्लाइम्ड होता है मतलब सन ऊपर चढ़ता है, जब सर उस मतलब जब मॉर्निंग का टाइम चला जाता है, एंड सून
ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टेक ऑफ हिज जैकेट। और जैसे ही थोड़ी देर बाद वो इतना वार्म हो जाता है कि उसको अपनी जो जैकेट है वो टेक ऑफ करनी होती है। टेक ऑफ का मतलब उतारना है यहाँ पे, ओके। वो अपनी जैकेट उतार देता है। हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट। उसका माउथ होता है वो ड्राई हो जाता है, उसका फेस है वो स्वेट से यानी पसीने से भीग जाता है, वेट हो जाता है। माई पुअर ओल्ड फादर, वो अब सोचता है, मेरे पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, काश वो जितना वार्म अब मैं हूँ उतना वार्म वो भी फील करते, मतलब जितनी गर्मी मेरे को लग रही है काश उनको भी ऐसे ही फील होता। एंड विद दैट ही बिगन टू चॉप इवन फास्टर, और इसी के साथ वो और तेज़ी से वुड चॉप करना शुरू कर देता है। थिंकिंग ऑफ एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द साकेट वार्म द ओल्ड मैन्स बॉन्ड्स। और वो ये सोचता है आज तो एक्स्ट्रा मनी अर्न करके अपने फादर के लिए क्या लेके आएगा, अपने फादर की जो ओल्ड बॉन्ड्स, ओल्ड मैन्स बॉन्ड्स, अपने फादर की हड्डियों को गर्म करने के लिए दैट लिक्विड साके आई विल ब्रॉट एनी हाउ, ऐसा सोचता है वो। देन सडनली तारो स्टॉप्ड चॉपिंग, और फिर अचानक ही तारो चॉपिंग करना यानी कटिंग करना वुड की स्टॉप कर देता है। वट वॉज द साउंड, यानी अपने आप में कि साउंड क्या है, ही हर्ट, यानी उसको एक साउंड सुनाई देती है, वो सोच समझ में नहीं पाता ये साउंड किसकी है। कुड इट बी, ये हो सकती है, कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर। फिर बाद में ये सोचता है कि शायद रशिंग वाटर यानी पानी रश बह रहा है कहीं पे, यानी पानी के रिसने की आवाज़ आ रही है। तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग ए रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। अब तारो को रिमेंबर नहीं है कि शायद उसने कभी उस जगह पर एक स्ट्रीम, एक झरना देखा है, यानी तारो ऐसे को पता है कि उस पार्ट में उसने कभी कोई झरना, रशिंग स्ट्रीम नहीं देखा है। ही वॉज थर्स्टी, वो थर्स्टी होता है, द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड, जो एक्स होती है वो उसके हाथ से गिर जाती है। एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वो उसी डायरेक्शन में चला जाता है जहाँ पे जिस डायरेक्शन से साउंड यानी पानी के बहने की आवाज़ आ रही है, पानी के गिरने की आवाज़ आ रही है, उस डायरेक्शन में वो चला जाता है। तारो सॉ अ ब्यूटिफुल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक, एक रॉक के पीछे, एक चट्टान के पीछे तारो को क्या दिखाई देता है, एक वाटरफॉल दिखाई देता है। नीलिंग एट द प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, ओके, जहाँ पर पानी क्वाइटली मतलब बहुत ही पीसफुली या शांति से बह रहा होता है, वहाँ पर वो नीलिंग होकर, नीलिंग होकर का मतलब घुटनों के बल बैठ जाता है। एंड ही कप्ड ए लिटल इन हिज हैंड, कप्ड का मतलब ही होल्ड, यानी वो पानी, कप्ड ए लिटल का मतलब थोड़ा सा पानी अपने हाथों में लेता है। एंड पुट इट टू इट्स हिज लिप्स, और अपने होठों पे लगाता है, मतलब ही ड्रिंक्स इट। द वॉज इट वाटर और वॉज इट साके, अब वो अचानक से सोचता है कि ये पानी है या साके। He tested it again and always it was the delicious sake instead of the cold water. वो उसको बार बार क्या करता है, ड्रिंक करता है, ओके, टेस्ट करता है, पर हर बार उसको ये लगता है कि ये तो वाटर नहीं है, क्या है, डिलीशियस sake हैं। तारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विद हिम एंड हरिड होम, और तारो जल्दी से क्या करता है, जो उसके पास एक पिक्चर होता है, पिक्चर मतलब पॉट, एक मिट्टी का जो घड़ा होता है उसको वो भर लेता है, और हरिड होम, और जल्दी से क्विकली ही वेंट टू होम, हरिड होम मतलब क्विकली ही वेंट टू होम। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद साके, और ओल्ड मैन यानी मीन्स उसका जो फादर होता है वो साके को देख करके खुश हो जाता है। आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग, और उसकी एक स्वेलो मतलब एक ही एक बार में ही उसको थोड़ा सा पीने के, थोड़ी सी क्वांटिटी लेने के बाद में ही वो क्या उसकी शिवरिंग यानी कंप कंप का जो कंप कंपी है वो बंद हो जाती है। स्टॉप्ड शिवरिंग मतलब जो कांप रहा होता है ठंड की वजह से वो बंद कर देता है। एंड डिड ए लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और इस वो क्या करता है, अब इतना ज़्यादा मतलब वार्म हो जाता है कि फ्लोर के बीच में डांस तक करता है। दैट आफ्टरनून ए नेबर स्टॉप बाई फॉर ए विजिट, उस आफ्टरनून क्या होता है, उनके घर में कोई नेबर ऐसे ही रुक जाता है, विजिट के लिए आता है। तारो फादर पोलाइटली ऑफर्ड अ कप ऑफ साके, और तारो का फादर उसके एक पोलाइटली मतलब बहुत ही हम्बली या एक
अच्छे तरीके से उसको क्या बोलता है, एक साके का कप ऑफर करता है। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडिली, और लेडी उसको ग्रीडिली ड्रैंक करती है, यानी जल्दी जल्दी पी जाती है। एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन, और उस ओल्ड मैन को यानी उस तारो के फादर को थैंक यू बोलती है। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, और फिर तारो उसको मैजिक वाटरफॉल की सारी स्टोरी बता देता है। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, थैंकिंग देम, अब उनको वो जल्दी से थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, उनको वो लेडी होती है उनको जल्दी से उस डिलीशियस ड्रिंक के लिए थैंक यू बोलती है। एंड लेफ्ट इन ए हरी, लेफ्ट इन ए हरी मतलब जल्दी से चली जाती है। बाय नाइटफॉल सी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, और रात रात में ही क्या करती है, पूरी स्टोरी वो पूरे विलेज में स्प्रेड कर देती है, फैला देती है, मतलब एवरीबडी हैड कम टू नो अबाउट दैट दैट इवनिंग। और फिर उस इवनिंग को देयर वॉज ए लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस, यानी उस इवनिंग क्या होता है, वुड कटर के हाउस में एक बहुत सारे लोगों की लाइन लग जाती है। लॉन्ग प्रोसेशन का मतलब एक लंबी लाइन लग जाती है विजिटर्स की। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, और हर आदमी वाटरफॉल की स्टोरी सुनता है। एंड टुक ए सिप ऑफ द साके, और उनको एक सिप साके की लेता है, यानी थोड़ा थोड़ा साके पीता है। इन द लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी, और आधे घंटे से भी कम टाइम में, एक घंटे से भी कम टाइम में पिक्चर है वो खाली हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन देन, इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, अगली मॉर्निंग क्या होता है, तारो अपना काम है वो पिछली मॉर्निंग से भी जल्दी शुरू कर देता है, यानी यूजुअल मॉर्निंग से पिछले दिन उसने किया था उससे भी जल्दी उठ जाता है वो। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ऑन, और अपने साथ जो सबसे बड़ा पिक्चर होता है वो लेके जाता है। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गेट टू द वाटरफॉल, और क्या इंटेंड करता है, इस इरादे के साथ जाता है कि वो वाटरफॉल पे जाने वाला फर्स्ट पर्सन होगा। व्हेन ही रीच्ड इट, जब वो वहाँ पे पहुँच जाता है, ही फाउंड हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल द नेबर, ऑल हिज नेबर्स देयर, और सब सरप्राइज होता है वहाँ देखते ही, क्योंकि उसके सारे के सारे नेबर्स वहीं पे होते हैं। दे वर कैरिंग पिक्चर्स, जार्स, बकेट, एनी थिंग दे हैड दे कुड फाइन टू होल्ड द मैजिक साके। अब वो उनके पास क्या क्या चीज़ें हैं, पिक्चर हैं, जार्स हैं, बकेट्स हैं, या फिर जो कुछ भी जिसमें वो उस मैजिक साके को होल्ड कर सके, कोई सा भी बर्तन, वो सब वो लेके जाते हैं। देन वन विलेजर नेल्ट एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। अब एक और विलेजर होता है, वो क्या होता है, नेल्ट होता है, नेल्ट होने का मतलब यहाँ पे घुटनों के बल बैठता है। ओके, नेल्ट मीन्स अपने घुटनों के बल बैठता है, अपने नीज पे बैठता है। एंड हेल्ड इज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, और अपने माउथ को वाटरफॉल के नीचे लेके जाता है ड्रिंक करने के लिए, पानी पीने के लिए। एंड ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, अब वो बार बार पीता है। एंड देन ही शाउटेड, और फिर वो जोर से चिल्लाता है, वाटर, नथिंग बट वाटर, वो चिल्लाता है कि सिर्फ वाटर है और कुछ नहीं है, वाटर है और कुछ नहीं है। अदर ऑल्सो ट्राइड, दूसरे भी ट्राई करते हैं, दूसरे विलेजर्स होते हैं वो भी ट्राई करते हैं, बट देर वॉज नो साके ओनली कोल्ड वाटर, लेकिन उनको उसमें कोई साके नहीं दिखता है, नहीं नज़र आता है, या फिर उनको कोई साके नहीं मिलता है, उनको सिर्फ कोल्ड वाटर ही मिलता है। वी हैव बीन ट्रिक्ड, अब वो बोलते हैं कि हमें ट्रिक किया गया है, हम वी हैव बीन चीटेड, हमें धोखा दिया गया है। शाउटेड द विलेजर्स, जोर से चिल्लाते हैं विलेजर्स, वेयर इज तारो, अब वो चिल्लाते हैं तारो कहाँ पर है, लेट्स ड्राउन हिम इन दिस वाटरफॉल, चलो उसको इस वाटरफॉल में ड्राउन कर देते हैं। ड्राउन करने का मतलब सेंक कर देना, डुबो देते हैं। दिस बट तारो हैड बीन वाइज एनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक, लेकिन तारो वाइज होता है, वो धीरे से एक रॉक के पीछे स्लिप बिहाइंड मतलब छुप जाता है, एक रॉक के पीछे चला जाता है। स्लिप बिहाइंड ए रॉक मतलब ही वेंट बिहाइंड ए रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग, जब उसको पता लगता है कि कैसे उसके लिए सब चीज़ है वो ख़राब हो रही है, मतलब इट इज़ नॉट गुड फॉर हिम टू गो अमोंग द पीपल नाउ। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, और जब उनको देखते हैं तो वो उनको कहीं पर भी नहीं मिलता है। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट द
प्लेस वन बाय वन, मटरिंग देयर एंगर, मटरिंग का मतलब स्पीकिंग अनक्लियरली, मतलब धीरे धीरे बड़बड़ाते हुए, सारे के सारे एंगर में, गुस्से में बड़बड़ाते हुए और डिसअपॉइंटमेंट के साथ, यानी होपलेस होकर के, ओके, डिसअपॉइंट, निराश होकर के वो सारे के सारे विलेजर एक करके, एक एक करके चले जाते हैं वहाँ से। तारो कैम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, और तारो जो उस रॉक के पीछे छुपा होता है वो वापस आता है। वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड, कि जो कुछ वो विलेजर बोल रहे थे क्या वो सही है, उसको सरप्राइज होता है। एंड वॉज द साके ड्रीम, क्या साके सिर्फ एक ड्रीम ही था। वंस मोर ही कॉट ए लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, वो दोबारा से फिर थोड़ा सा लिक्विड अपने हैंड में लेता है एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और उसको ड्रिंक करता है। इट वॉज द सेम फाइन साके, और उसको क्या मिलता है, ये तो सेम फाइन साके हैं, यानी वही उसको सेम टेस्ट वाला डिलीशियस साके मिलता है। टू द वॉटर, टू द थॉटफुल सन, ओके, टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस साके, उस थॉटफुल सन के लिए, थॉटफुल मीन्स जो दूसरों की ज़रूरतों का ध्यान रखने वाला होता है, ऐसा थॉटफुल सन उसके लिए जो वाटरफॉल है वो डिलीशियस साके दे रहा है, ओके, वाटरफॉल डिलीशियस साके उस थॉटफुल सन को दे रहा है। टू एवरी वन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, और दूसरों को, बाकियों को सिर्फ कोल्ड वाटर ही वो दे रहा था, यानी साके में, सॉरी, मैजिक वाटरफॉल से सिर्फ उसको तारों को ही साके मिलता है, बाकियों को सिर्फ कोल्ड वाटर मिलता है। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान, ये स्टोरी जापान के एम्परर तक पहुंच जाती है। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर, वो सेंट फॉर का मतलब कॉल्ड, बुलावा भेजता है यंग वुड कटर के लिए। एंड रिवॉर्डेड हिम विद 20 पीसेज ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, और तारों को वो रिवॉर्ड करता है, ओके, यानी रिवॉर्डेड मतलब प्राइज देता है, ओके, प्रोवाइडेड हिम प्रेजेंट्स एंड, ओके, क्या देता है, 20 पीसेज ऑफ गोल्ड उसको देता है, किस लिए, फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, ओके, अच्छा, इतना गुड और काइंड होने की वजह से वो उसको 20 पीसेज ऑफ गोल्ड देता है, जो एम्परर होता है वो। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो, और फिर वो जो एम्परर है वो तारो के नाम पे ही सिटी के सबसे ब्यूटीफुल फाउंटेन का नाम रख देता है, यानी सिटी का जो सबसे ब्यूटीफुल फाउंटेन होता है उसका नाम तारो के नाम पे रख देता है। This said the emperor was to encourage all the children to honor and obey their parents, और ये कहा जाता है कि emperor को क्या था कि सारे के सारे children को encourage करने के लिए, इस चीज़ के लिए encourage करना था कि अपने वो अपने parents को obey करे, उसका honor करे, उनका सम्मान करे, okay, अपने parents का कहा माने और उनका सम्मान करें, ये सब करवाने के लिए उसने ऐसा किया था, मतलब चिल्ड्रन को एनकरेज करने के लिए, ताकि वो अपने पेरेंट्स को ओबे करें, उनका ऑनर करें, उनको मतलब उनका सम्मान करें, इसलिए उन्होंने, उस एम्परर ने ऐसा किया था। क्यों किया था एम्परर ने ऐसा, क्योंकि वो चाहता था कि सारे बच्चे अपने पेरेंट्स की इज्जत करें, यानी उनको रेस्पेक्ट करें और उनका कहा माने, ओबे करें उनको। दैट्स वाई द एम्परर डिड दैट, ताकि अगर ऐसे करेंगे, मैं ऐसा करूँ, उसका तारों के नाम पर ये सब कर दूँगा तो दूसरे बच्चे भी उसको फॉलो करेंगे। इट मीन्स टू से दैट द एम्परर वांट्स टू मेक तारो एन आइडियल फॉर अदर चिल्ड्रन। सो दिस इज़ द स्टोरी, होप यू हैव अंडरस्टूड इट। सो नाउ लेट्स डू इट्स एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा बाद में करेंगे, पहले बी एक्सरसाइज। मार्क द राइट देम, तारो earned very little money because, टिक कर मार्क करेंगे हम कौन सा सही है, थ्री ऑप्शंस दे रखे हैं। तारो earned very little money because, रीजन क्या था, तारो को कम मनी क्यों मिल रहा था, बिकॉज, थर्ड नंबर करेंगे, बिकॉज द प्राइस ऑफ वुड वॉज वेरी लो। नेक्स्ट, तारो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी, तारो एक्स्ट्रा मनी किस लिए चाहिए होता है, तारो क्यों एक्स्ट्रा मनी अर्न करने का डिसाइड करता है, क्योंकि टू बाय हिज ओल्ड फादर सम साके, अपने ओल्ड फादर को थोड़ा साके ला के दे सके, इसलिए। सेकंड नंबर, नाउ
द नेबर्स लेफ्ट तारोज हर्ट इन अ हरी। जो नेबर उसके घर पे आती है वो तारो का हर्ट एक हरी में जल्दबाजी में छोड़ देती है। रीज़न क्या है? सी वॉन्टेड टू टेल द स्टोरी होल विलेज अबाउट द वाटरफॉल। वो सारे विलेजेस को उस वाटरफॉल के बारे में क्या होती है बताना चाहती है। दैट्स वाई सी लेफ्ट तारोज होम इन हरी। नाउ वर्किंग विद लैंग्वेज, स्ट्राइक ऑफ अ वर्ड इन द फॉलो बॉक्स बिलो दैट आर नॉट सुटेबल। तारो वॉन्टेड स्ट्राइक ऑफ द वर्ड्स इन द बॉक्स बिलो दैट आर नॉट सुटेबल, यानी जो तारो के लिए सुटेबल नहीं है, ऐसे वर्ड्स अपने को इसमें से फाइंड आउट करने हैं, यानी जो तारो के लिए अपन कह सके कि वो ये नहीं शो होता है कि वो सूटेबल हो। या फर्स्ट इज थॉटफुल, तो डेफिनेटली तारो थॉटफुल था, ये तो है ही। दूसरा हार्ड वर्किंग, तारो हार्ड वर्किंग भी था, लविंग भी था, अपने पेरेंट्स से उससे लव करते थे। ओके, अब एफिशिएंट भी था, काइंड भी था। ओके, तो इन दिस वी दिस थ्री ऑनेस्ट कंसिडरेट एंड ट्रस्टवर्दी, ये अपन नहीं कह सकते कि कंसिडरेट और ट्रस्टवर्दी, ये टू ही करेंगे, कंसिडरेट और ट्रस्टवर्दी अपन नहीं करेंगे, बाकी सब है, सिर्फ दो ही है इसमें जो तारों के लिए अपन बोल सकते हैं कि ये शायद नहीं है। ओके, क्योंकि उससे रिलेटेड कोई एग्जांपल अपने पास नहीं आया है, तो दैट्स व्हाई ट्रस्टवर्दी एंड कंसिडरेट। This made Taro sadder than ever. This refers to this made Taro sadder than ever. ये किस चीज़ से रेफर करती है? Taro's inability to buy expensive sake for his old father. ये Now this said the emperor was to encourage all the children to honor and obey their parents. This refers to, यहाँ पे this किस चीज़ को refer करता है? Rewarding Taro with gold and giving the fountain his name. तो second number पे click करेंगे, इस second number C number है। Arrange the word given below in pair that rhyming example that rhyme. ओके, यानी जो rhyming words हैं इनमें से आपस में arrange करना है उनको, जैसे sad का rhyming क्या हुआ? bad. ओके, young का rhyming ऐसे sad का है, इस प्रकार से सारे words का आप rhyming word इसमें से ढूंढोगे। young का किसके साथ? lung के साथ, like that. ओके, chop स्टॉप। ओके, इस प्रकार से आप सारे राइमिंग वर्ड्स यू डू इट बाय योरसेल्फ। हियर इस बॉक्स में से देख करके आगे फिल करना है। नाउ ए यंग वुड कटर, पहले में यंग, ये पहले में आएगा। ए यंग वुड कटर लिव्ड इन ए किसमें लॉनली हिल साइड, ये फर्स्ट नंबर में आएगा। ही वॉज अ थॉटफुल सन, ये थ्री नंबर में आएगा। ही वॉज अ थॉटफुल सन हु वर्कड हार्ड, ये चार नंबर में आएगा। बट अर्नड अ लिटिल मनी, पांच नंबर में आएगा। वन डे ही सॉ अ ब्यूटिफुल वाटरफॉल, सिक्स नंबर में आएगा। एंड ही टेस्टेड द वाटर एंड फाउंड इट डिलीशियस, ये नेक्स्ट सेवन नंबर में इसमें आएगा। ठीक है, तो इन दैट वे यू हैव टू फिल दिस ऑल। नाउ फाइंड दिस सेंटेंस इन द स्टोरी एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ये वर्क आपको खुद को करना है। ये जो स्टोरीज के अंदर सेंटेंस दे रखे हैं इनको ढूंढ करके कंप्लीट करोगे अपनी बुक्स, बुक में से आप ये सेंटेंस ढूंढोगे, उसको कंप्लीट करना है। दिस सेंटेंस यू विल फाइंड इन द टेक्स्ट एंड देन कंप्लीट दैट बाय योर ओन। सो नाउ
I am showing you the question and answer of this chapter. So here is the first question. Why did Taro run in the direction of the stream? Yes, separate kalina. In the direction of the stream. You separate it. Taro was chopping wood in the forest. Then suddenly he heard a sound of rushing water. But Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. He was thirsty, so he dropped out the axe and ran in the direction of the sound. Now second question. How did Taro's father show his happiness after drinking sake? Taro's father happiness कैसे show करता है sake drink करने के बाद? When Taro brought the delicious sake at home, the old man was delighted with the sake. After only one swallow of the liquid, he stopped shivering. ये भी आप सेपरेट करेंगे बेटे. स्टॉप्ड और शिवरिंग को अलग कर लेंगे यहाँ से. स्टॉप्ड शिवरिंग एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर. डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर. व्हाई डिड द वाटरफॉल गिव तारो साके अनदर्स वाटर? तारो को तो साके मिल रहा था उसी वाटरफॉल से, बाकियों को सिर्फ नॉर्मल वाटर मिल रहा था. क्यों? The magic waterfall gave Taro sake because he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. He worked very hard to get a little quantity of sake. So that's why the waterfall hai wo usko kya de raha tha? Sake de raha tha. Why did the villager want to drown Taro? Villagers Taro ko drown karna yani dubona kyon chahte the? The villager were told about the magic waterfall, so they went to the waterfall to take sake, but when they tested the rushing water, they found it nothing but normal water. They got angry and thought that they had been tricked by Taro, so they wanted to drown Taro. इसलिए वो तारो को क्या करना चाहते थे? ड्राउन करना चाहते. ड्राउन करना मतलब डुबोना चाहते थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि उनको ट्रिक किया गया है. Why did the emperor reward Taro? Emperor ने तारो को reward क्यों किया? The emperor heard the story of Taro and the magic waterfall. He called Taro in the palace and reward him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. The emperor did it because he wanted to encourage all the children to honor and obey his parents. वो सारे children को चाहता था कि वो सारे children से चाहता था कि वो अपने parents को obey करे और उनका ऑनर करे, रेस्पेक्ट करे. दैट्स वाई ही डिड दैट. तारो को रिवॉर्ड किया था. नाउ लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड तारो डिसाइड टू डू टू गेट साके फॉर हिज पुअर फादर? तारो ने अपने पुअर फादर के लिए जो साके लेने के लिए क्या किया? आपको ये क्वेश्चन अपने आप से कर करके करना है एंड देन यू विल राइट इन ए कॉमेंट. कमेंट बॉक्स में आप लिख करके मेरे को दिखाओगे. ओके, यू डू इट योरसेल्फ एंड राइट द आंसर, या मेरे को पर्सनली भेज सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में आप लिख दोगे इस आंसर को एंड आई विल चेक वेदर इट इज़ ओके और नॉट. सो होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग. इफ ओके दिस ऑल क्वेश्चन आंसर यू सपोज टू डू इन योर नोटबुक. थैंक यू एंड वन थिंग, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. Okay, thank you.